अगर वाकई ये सच हुआ तो कम से कम कई करोड़ हैंडसेट हाथों हाथ बिक जाएंगे। हेलो सर फ्रेंड, मैं सुदेव तनेजा हूँ और आज की हम वीडियो में आपसे बात करेंगे फ्रीडम 2051 मोबाइल के बारे में, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ये वर्ल्ड का जो है सबसे चीपेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन है, जो कि सिर्फ 251 रुपए में मिलेगा, यानी कि लेस देन $4। क्या सच्चाई है, क्या 251 में कोई स्मार्टफोन बन सकता है, तो हम बात करेंगे। तो हमारे पास जो है ये जो पीछे की सीरीज़ है इसमें फ्यूचर फ़ोन है, तो आप देख सकते हैं कई फ़ोन तो आउटडेटेड हो चुके हैं, मार्केट में नहीं मिलते, फिर भी लाखों की संख्या में इस्तेमाल होते हैं इंडिया में। और इंडिया जो है कम से कम ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस है जहाँ पर कोई भी चीज़ कभी आउटडेटेड नहीं होती, कभी भी रिप्लेस नहीं होती, आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल करते हुए मिल जाती है। जो 251 में आप अगर देखें स्मार्टफोन, वो भी 4-inch कंपनी का दावा है, और विद ऑक्टा कोर प्रोसेसर, विद 1GB रैम, तो 250 में तो ये टच स्क्रीन ही नहीं बनेगी, और 8GB मेमोरी भी आपको 250 में नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी तक इंडिया में नहीं है, और 4 महीने में बन जाए ऐसा इजली पॉसिबल भी नहीं है। और इंडिया में जो है मोबाइल का कोई भी कंपोनेंट, चाहिए चिपसेट हो या टच स्क्रीन हो या कैमरे हो, भारत में कोई भी चीज़ इंडिया में नहीं बनती, इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनता। अगर 250 में कोई कंपनी स्मार्टफोन बना सकती थी तो क्यों ना चाइनीज़ कंपनी है या माइक्रोमैक्स है, वो पहले ही ऐसा कर चुकी होती। और इसका इम्पैक्ट देखो, हमारी बाई वाली, हमारे पेंटर, इवन हमारे अमेरिका के अंकल भी हमसे कह रहे हैं कि अगर ये 250 में मिल रहा हो तो हमें भी एक दो फ़ोन कोरियर करके अमेरिका भेज दो, इतना सस्ता है और इतनी डिमांड है। अगर 250 में कोई कंपनी बनाए तो आज ही की डेट में कम से कम 50 करोड़ यूज़र मिल जाएंगे इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। और पहले लगा कि ये कोई सरकार की सब्सिडी होगी, सरकार इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, पर वो बात गलत निकली। फिर उसके बाद ये लगा कि कंपनी सब्सिडी करेगी या ये कंपनी की कोई मार्केटिंग प्लानिंग है, क्योंकि कई कंपनियाँ होती हैं कि फ्लैश सेल में सस्ते दाम पर अपने मोबाइल बेचती हैं ताकि उनकी फ्री में पब्लिसिटी हो, रेडियो में, टीवी में या न्यूज़पेपर में। क्योंकि ये जो है मोबाइल, अगर आप जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, 4-inch टच स्क्रीन विद ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 1400 mAh की बैटरी है, और विद द लॉलीपॉप एंड्रॉयड, तो कम से कम इनको 2000 से 3000 रुपये मिनिमम तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ जाएगी। और अगर आप इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऑफ बेनिफिट्स या टैक्स वगैरह डालेंगे तो ये आपको कम से कम 4000 का तो पड़ेगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये फ्रीडम 2051 है, जो कि एक बहुत बेहतरीन सपना दिखाया गया इस सदी का, अगर वाकई ये सच हुआ तो कम से कम कई करोड़ हैंडसेट हाथों हाथ बिक जाएंगे, और नहीं तो एक सबसे बड़ा मजाक बन जाएगा। क्योंकि हमें भी इतनी उम्मीद थी कि इस मोबाइल से कि हम भी एक दो हैंडसेट लेने की सोच रहे थे, बट अब लगता है कि इसमें जो है या तो चिट चैट जैसा कुछ कांड हो सकता है, या फिर आपका जो है मोबाइल जो काफ़ी डिले हो जाए या आपको मिले ही ना, तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। और यदि ये सचमुच 250 में कुछ हज़ारों या लाखों लोगों को भी दें तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा इस कंपनी के लिए। और कई कंपनियां ऐसी स्ट्रेटजी करती हैं, ऐसी प्लानिंग करती कि चीप प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती हैं ताकि उनका नाम हो, फिर वो आगे हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लाते हैं जो हाई प्राइस पर बेचे जाते हैं। और ये जो है, अगर ऐसे फ़ोन मिलेंगे भी तो ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्गर टर्म के लिए नहीं होंगे। क्योंकि ये जो है मोबाइल, अगर आप जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन है, 4-inch टच स्क्रीन विद ऑक्टाकोर प्रोसेसर, 1400 mAh की बैटरी है, और विद द लॉलीपॉप एंड्रॉयड। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।